लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा को करके वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं मंगलौर के लिबरहेड़ी में पहुंचे बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है, बसपा अकेले अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के मैदान में चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद कासमी के समर्थन में बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती की जनसभा पूर्व से प्रस्तावित थी, जिसको लेकर बसपा के तमाम दिग्गज नेता हफ्तों से तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन बसपा नेताओं द्वारा की गई तमाम कोशिशें नाकाम नजर आईं, जिस कारण बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में बस गिनती के ही लोग पहुंचे। बसपा की जनसभा में खाली कुर्सियों चर्चा का विषय बनी है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट।